सुखहता दुखहर्ता वाता विघ्ना ची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयांची सर्वांगी सुंदर पुशिंदूर कंती जड़ते माड़ मुक्ता फड़ान जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान पूर्ति जय देव जय देव थैंक यू गणपति बाप्पा मौर्य हेलो गाइस वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ़ यू तो आज हम आ गए हैं आपकी चहेती अनेरी के घर पर यहाँ देख सकते हैं आप पीछे बप्पा ऑलरेडी यहाँ पे विराजमान है और ये जो थीम है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे क्योंकि हम लोग सुबह से बहुत सारे लोगों के घर जा चुके हैं ऑलरेडी बट यहाँ का जो थीम है आप देख सकते हैं बहुत ही अलग है तो अब हम इससे अनेरी से ही जानेंगे कि क्या है ये थीम और कैसे यही कॉन्सेप्ट रखना है अनेरी के दिमाग में आया सो so, अनेरी सबसे पहले तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू एंड योर फैमिली हैप्पी गणेश चतुर्थी हैप्पी गणेश चतुर्थी ओके सो हम लोग थीम के बारे में जानना चाहेंगे बिकॉज ये काफ़ी अलग है जी हमेशा हर साल हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया करेंगे गणपति के अवसर पर और हमेशा की तरह इस बार भी मैंने कुछ नहीं किया सब कुछ रोहन और प्रिया ने किया है और वाई नॉट जस्ट कॉल रोहन एन एक्सप्लेन एग्जैक्टली हिज थाट ऑन वाई हैज़ ही चोजन दिस थीम कव तो रोहन है अनेरी के भाई जो आज आपको बताएंगे कि एक्चुअली मैं अनेरी ये बप्पा के लिए जो थीम रखा हुआ है ये क्या है सो so, रोहन फर्स्टली uh, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी okay. तो uh, सबसे पहले तो आप हमें बताइए ये जो थीम का आपने कॉन्सेप्ट सोचा है ये कैसे आपके दिमाग में आया क्योंकि काफ़ी अलग है ये सो so, हर साल जब हम गणपति जी लाते हैं तो हम मूर्ति पे डिपेंड होता है कि हमारा आज का थीम क्या होगा मतलब ये साल का थीम क्या होगा सो so आप ये साल की मूर्ति दे सकते हो तो वो है सिद्धि विनायक जैसी एंड इट इज़ इन ऑरेंज इन कलर सो हमने सोचा कि पापा के आठ और स्वरूप है सो इट इज़ कॉल एक्चुअली अष्ट विनायक तो आप देख सकते हो अलग अलग स्वरूप है एंड ऑल ऑल दीज गणपतिज आर वो गुफा के अंदर है और आप देख सकते हो शिव जी भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं पीछे से सो so, या yeah. तो ये हमारा आज आ, ये साल का थीम, थीम है, है। okay. हर साल कुछ ना कुछ नया सोचता है रोहन और प्रिया एक्चुअली तीनों मिलके सोचते हैं पर एग्जीक्यूट उसको हमेशा रोहन और प्रिया करते हैं सो या गुड जॉब सो रोहन कितनी मेहनत लगी है आपकी ये पूरा थीम रेडी करने में या आपने बाहर से किसी को बुलाया था ये पूरा <laughs> हमने एक्चुअली खुद ही करा है मैंने और प्रिया ने और ऑफकोर्स अनेरी ने मोनिटर किया कि सब सही हो रहा है कि नहीं तो यहाँ बहुत आई थिंक हमें एक्चुअली एक हफ्ता लगा पूरा बनाने में सो so, या yeah. हम कभी भी कोई भी चीज़ किसी से करवाते नहीं है गणपति में हम सब कुछ अपने हाथों से करते हैं तो आप जितनी भी डिटेलिंग यहाँ पे देख रहे हो इस पूरे गणपति जी के सेटअप पे जो भी वो सब कुछ इन दोनों ने मिलकर अपने हाथों से किया है और मैंने मॉनिटर किया है कि सही कर रहे नहीं कर रहे आपने बहुत अच्छा मॉनिटर किया है ये जो मंडप है बहुत ही खिलकर आया है गाइस आप भी देख सकते हैं आपको भी ये आइडिया मिल जाएगा आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर आप भी आपके घर में ऐसा ही मंडप बनाने का जरूर ट्राई करेंगे बट इसी के साथ ही रोहन भी आप साथ में हैं तो अब कुछ और पोल खोल देंगे आ, ये रोहन जी बप्पा को मोदक बहुत पसंद है बप्पा का नाम है और मोदक नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता सो तो अनेरी बप्पा के कितने मोदक आप चुरा खा लेती हैं तो क्या है कि मेरे को मोदक Uh, मेरे को मीठा खाना बहुत पसंद नहीं है तो मैं कोई मोदक चुरा के नहीं खाती इनफैक्ट मैं uh, जब लोग मुझे प्रसाद भी देते हैं मोदक का तो मैं ऐसे इतना सा एक एक बाइट टाइप्स खा लेती ये दिखाने के लिए कि यू नो आई एम आई लाइक मोदक बट आई एम नॉट अ मोदक फैन पर मोदक uh, मैंने इस बार बनाए ज़रूर है मम्मी के साथ मैंने उनको हेल्प किया है कि uh, जितने भी बॉक्सेज हम uh, प्रसाद के तौर पर देते हैं वो सारे बॉक्स मैंने मैंने वो तो मैं क्रेडिट दूंगा इन्हें थैंक यू सो okay. so, uh, अलग अलग घर में जाओ अलग अलग पप्पा को भोग लगते हैं तो एज अ गुजराती आप गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके घर में पप्पा को क्या भोग लगाया जाता है और उसकी स्पेशलिटी क्या है स्पेशलिटी uh, ये है कि हर साल कुछ अलग अलग पकवान बनते हैं हमारे घर पर और अलग अलग मेन्यू होता है पापा के लिए सुबह से लेकर नाश्ते से लेकर लंच से लेकर शाम के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के खाने तक उनको उनकी जो पर्सनलाइज्ड प्लेट है चांदी की प्लेट अभी थोड़ी देर में आएगी वो उसमें मम्मी सारी सारा सबको सजा कर उनको भोग लगाती है और या आई रियली होप दैट ही रेलिश इट बिकॉज वो प्रसाद जब हम खाते तो हमें बहुत ही बहुत ही मिठास लगती है उस प्रसाद में ओके okay. सो so, अगर हम अनेरी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे क्या कोई म्यूज़िक एल्बम है या कोई रियलिटी शो में अनेरी दिखने वाली है या कहीं स्टंट वंट करते हुए दिखाई देंगी नहीं जो जो स्टंट्स करने थे मैं कर चुकी आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया राइट नाउ बट होपफुली समथिंग सून पापा आए तो कुछ कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर देकर जाएंगे ओके सो बप्पा का नाम विघ्न हरता भी कहा जाता है बप्पा को तो इस बार आप बप्पा को आपका कौन सा ऐसा विघ्न है जो हरने को कहने वाली है uh, मैं यूजुअली पापा से कुछ नहीं मांगती बस इस बार ये मांगा है कि सब बस खुश रहे ये तो बहुत अच्छी बात है बिना सेल्फिश हुए अनेरी ने सबके लिए विशेष मांगा है क्योंकि लोग पहले अपना देखते हैं बट हाँ अनेरी ने सबके लिए मांग लिया है सो लास्टली अनेरी आ, फैंस के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगी आ, बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत पापा से दिल से कुछ मांगो या ना मांगो पापा को ऑलरेडी पता होता है कि आपको क्या चाहिए सो यू विल इवेंचुअली गेट इट बस पटाखे ना फोड़े बिकॉज़ बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको पटाखों से बहुत डर लगता है तो अगर आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पापा नाराज़ हो जाएंगे इनफैक्ट आई थिंक वील बी हैप्पी तो प्लीज़ पटाखे ना फोड़िए और या की वॉकिंग हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड गॉड इज़ वॉचिंग ओके सो अब विसर्जन के बारे में अगर मैं बात करूं तो पापा को इतने दिन घर में रखो तो विसर्जन के टाइम ऑलरेडी वो पूरा माहौल इमोशनल हो जाता तो उसके बारे में हम जब पापा को लेकर भी आते तभी हम बहुत इमोशनल होते हैं और जब हम पापा को विसर्जन भी कर रहे होते हैं उनका तभी भी हम बहुत इमोशनल होते हैं uh, यूजली पहले हम आकसा भी जाकर करते थे पर अभी कुछ सालों से हमारे काफ़ी सालों से हमारे घर पर इको फ्रेंडली गणपति आते हैं तो उनको हम हमारे टेरिस पर विसर्जन करेंगे और uh, जो भी पानी जो होगा वो हम पेड़ पौधों में डाल देंगे एक विसर्जन का डांस तो आप ज़रूर बताएंगे क्योंकि कर सकती मैं नो नो डांस कोई तो घर पे कोई थीम होगा कि हाँ ऐसे ही डांस करते हैं नहीं नहीं हम ऐसे कोई डांस नहीं <laughs> करता हम सिर्फ गणपति पापा के बहुत अच्छी अच्छी आरतियाँ गाते हैं उनके लिए और बहुत सारे जयकारे लगाते हैं बट लेट मी गेस गाइस जैसे कि अनेरी गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है तो यहाँ पे गरबा जरूर होता होगा नहीं, उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा नवरात्रि में तब मैं फुल फ्लेजेड गरबा करूंगी आई प्रॉमिस ओके सो लास्टली अनेरी एक गणपति पापा थैंक यू सो मच अनेरी एंड गाइस आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आ, अनेरी के गणपति पापा की ये जो आइडल है इतनी प्यारी ऑल्सो रोहन ने बहुत मेहनत किया है गणपति पापा का ये मंडप सजाने में तो आप भी बताना कैसा लगा उनका ये आइडिया आप लोगों को हेलो गाइस वेलकम टू टेली मसाला आज हम आ गए हैं आकाश के घर जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने हुए हैं जो आपको भी पता ही है सो हेलो आकाश फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशन आई गेस आपने पहली बार पापा को घर पे लाया नहीं है ये सेवेंथ ईयर है मेरा इयर्स से आकाश घर पे को लेकर आ रहे हैं मुझे पता नहीं था कि आप सेवन इयर्स से को ला रहे हैं सॉरी फॉर दैट सो इस बार की थीम के बारे में अगर बात करेंगे तो काफी खूबसूरत लग रहे हैं क्या बताना चाहेंगे आप सी मेरा हर बार का ये होता है कि जब भी हम गणपति प्पा अपने लाते हैं एक कलर के होते हैं पूरे ऊपर से नीचे तक तो इस बार थोड़े से क्रीम कलर के हैं पिछली बार टकॉइज कलर था ब्लू कलर होता है ऐसा होता है एंड हमेशा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जो अपने जो पप्पा आते हैं ना थोड़ा लार्जर देन लाइफ बहुत एक्साइटमेंट के साथ आते हैं तो हमेशा हमारा डेकोर जो होता है ग्रैंड रखते हैं फ्रेश फ्लाज हाथ रखते हैं तो इस बार मैंने सोचा हमारे पप्पा थोड़े से यू नो सिंगल कलर है तो डेकोर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं पर्पल करते हैं पर्पल इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वाइब्रेंट कलर तो आप देख सकते हैं ये हमारा डेकोर है इस साल ओके सो लास्ट सेवन ईयर से आप पप्पा को घर पर लेकर आ रहे हो तो कितनी हर साल मुझे लगता है एक्साइटमेंट अलग अलग लेवल की होती होगी बट ये सात सालों के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब तक कौन आपके साथ रहता है बप्पा के लिए सजावट में बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगती है मुझे पता है मेरे भी घर पप्पा आते क्या बताना चाहेंगे आपके हेल्प कौन करता है इतना डेकोरेशन में मुझे ना पर्सनली बहुत एक्साइटमेंट है पप्पा मतलब मेरे फेवरेट गेस्ट हैं <laughs> इस दुनिया में सबसे फेवरेट गेस्ट को सकते हो पप्पा है तो इनके लिए जितना भी जो भी मैं करता हूँ मैं अकेला करता हूँ मैं अकेला रहता हूँ बॉम्बे में लास्ट ईयर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर थे बट मुझे नहीं लगता कि जब ऐसा होता है ना पप्पा घर आते हैं ना तो आपको ऐसा बना देते हैं कि आप सब खुद कर पाते हैं तो ये ऑफकोर्स डेकोरेशन के लिए तो वेंड ते हैं सब लोग आते हैं मूर्ति सेलेक्ट करने में खुद जाता हूं लेके भी इनको आता और विसर्जन के टाइम मेरे सारे दोस्त मुझे ज्वाइन करेंगे पर जितने भी हमारे टीवी के लोग हैं हैं सब हर साल आते हैं। और एक्साइटमेंट की बात तो वो तो मतलब हर साल इंक्रीज होती है ऐसा कभी नहीं होता मैं सोचू मैं ना मतलब जब पप्पा जाएंगे ना मैं ऑलरेडी प्लानिंग करना शुरू कर देता हूँ नेक्स्ट डे की अगले साल क्या अलग करने वाले हैं अफकोर्स डेढ़ दिन के लिए आते हैं पप्पा उतनी ही आई थिंक हमारी क्षमता है उनको इस टाइम पर रखने के लिए बट डेढ़ दिन में भी ऐसा लगता है कि पूरा महीना हो गया है और बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है एक बहुत पॉजिटिव हो जाता है इनफैक्ट पूरी बॉम्बे का जब आप सड़कों पे जाए ना तो एक न एक ऐसे बम्स आते हैं आप निकलते हैं जब तो मुझे लगता है बप्पा जब आते हैं तो एक्साइटमेंट तो बिल्कुल अनती है पप्पा के दर्शन करने कितने गेस्ट आने वाले कितनी लंबी लिस्ट लगने वाली है यहाँ पर जी इस बार वैसे मैंने थोड़ी सी लिस्ट छोटी रखी है मैंने थोड़े से जो मेरे बिल्कुल थोड़ा सा प्राइवेट रखा है बहुत जो करीबी दोस्त हैं उनको इनवाइट किया हर साल बहुत लोग आते हैं ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स यहाँ होके जा चुके हैं अभी आप लोग आए हैं पप्पा से मिलने के लिए उसके बाद शाम को काफ़ी लोग शाम की आरती के आने वाले हैं और जैसे मैंने बोला क्योंकि बहुत लोग गणपति रखते हैं तो पहले दिन नहीं आ पाते तो कल सब विसर्जन के टाइम पर काफ़ी लोग मेरे जो खास दोस्त हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं बात करेंगे बप्पा को भोग लगाने की तो क्या आपको कोई भोग बनाने आता है जो आप बप्पा के लिए खुद बनाते हो देखिए मुझे खाना बनाना आता है ऑनेस्टली बहुत अच्छे से बट क्या होता है ना कि थोड़ी सी जब मिठाई बनाने की बात है उसमें मैं कच्चा हूँ तो बप्पा का जो फेवरेट प्रसाद है मोदक सुबह उनको वो खिलाया और शाम की आरती के लिए उनको हलवा खिलाने वाले हैं तो वो मेरे जो हाउस हेल्प हैं बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो बनाने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा उस डिपार्टमेंट में कमज़ोर हूँ बट जितना कोशिश हो सकती है हम पप्पा को खुश रखने की कोशिश करते हैं सो so, इस बार विघ्नहर्ता से आप क्या अपने लिए मांगने वाले हो क्या प्रार्थना है आपकी और क्या विशेष आपकी बप्पा से आ, आप सरप्राइज होंगे जान के मैं बप्पा से कभी कुछ नहीं मांगता सात साल हो गए हैं मैं सिर्फ एक ही चीज़ उनको बोलता हूँ कि जो उन्हें मेरे लिए ठीक लगता है वो मेरे लिए करें मैं मेरी सिर्फ इतनी विश होती है दूसरी बात ये मैं अपने डॉग से बहुत प्यार करता हूँ तो हमेशा उनको बोलता हूँ मैं इकलौती मेरी विश यही होती है कि उसकी अच्छी हेल्थ लंबी लाइफ जितना जितनी उसकी लाइफ है उसको बहुत अच्छे से रखें और मैंने ये देखा है कि जो बप्पा ने मेरे लिए करा है हर साल कुछ नई चीज़ आती है जो मैं सोचता हूँ अपने आप मिल जाता है मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हर साल मैंने देखा है हर साल बप्पा थोड़े से बड़े और ग्रैंड स्केल पे आते हैं तो ऑफ़ ऑफकोर्स उनकी वजह से वो उनकी कृपा है कि मैं उनको उस स्केल पर ला सकता हूँ तो मैं कभी कोई विश नहीं मांगता सिंपल सी बात है जो आप करोगे अच्छा करोगे सो okay. so, जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया कि सेवन ईयर्स हो गए पप्पा को ला आपके दिमाग में ये थाट कब आया था कि हाँ मुझे पप्पा को लाना और कैसे आया था मैं आपको बताऊं मैं बॉम्बे जब शिफ्ट हुआ था 2017 जनवरी में मैं गणपति फेस्टिवल टीवी पे देखता था मैं बहुत एक्साइटेड होता था और मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान रहा हूँ हमेशा से ही आ, मैं जब घर पे भी रहता था बहुत पूजा पाठ करता था तो जब मैं आया तो मुझे जब मैंने देखा की तैयारियाँ हो रही हैं मुझमें एक यू नो समथिंग टोल्ड मी कि नहीं यू शूड ऑल्सो इट अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे करते हैं पहला साल हुआ थोड़ी सी गलतियाँ हुई आ, पहला साल हुआ और उसके बाद जब पप्पा घर पर आए तो एक अलग ही माहौल था और मेरा करियर बहुत ऊपर गया मेरी पर्सनल वेलबींग बहुत ऊपर गई I think, uh, um, uh, कोई और यू uh, नो you know, जरिया ही नहीं एक, एक, है ऐसे गणपति पप्पा आपके करियर को और भी ज्यादा लिफ्ट करते रहे और आकाश को ऐसे ही सक्सेस मिलते रहे सो गाइस आप भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताना कैसे लगे आपको आकाश के पप्पा हमारे पप्पा थैंक यू